हाय आई एम राहुल गाइस, यू नो कि स्पोकन में वोकैबुलरी का इनरिच होना बहुत ही जरूरी होता है और आपके लिए हम लाए हैं आज ट्री रिलेटेड वोकैबुलरी। ट्री से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं करीब 10 वर्ड्स हम आपको बताएंगे और ऐसे आगे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। ये मेरा पार्ट वन है स्टार्टिंग। गाइज यू नो कि हम जब 50 पार्ट्स तक लेके आएंगे तो हर एक दिन आपको एक नए नए टॉपिक का रिलेटेड वर्ड्स मतलब 10 वर्ड्स बताएंगे जो कि आपको अपने वोकैबुलरी को एनरिच करने में बहुत ही क्या होगा बहुत ही आपको बेनिफिट देगा और बहुत ही ये प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो गाइज आज ट्री से रिलेटेड जो 10 वर्ड्स है उसके बारे में बात करेंगे। गाइज पहला वर्ड है नॉट। नॉट मतलब पेड़ की गांठ। पेड़ की गांठ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉट बोलते हैं। वैसे ही दूसरा वर्ड है लिंब। लिंब मींस वृक्ष का अंग। जो वृक्ष की शाखा होती है उसको लिंब बोला जाता है, लिंब ऑफ ट्री। या तो लिंब जो होता है वो वृक्ष का अंग या वृक्ष की शाखा। वैसे ही थर्ड वर्ड है लीफ। लीफ मींस गाइस पत्ता। लीफ मींस क्या होता है? पत्ता। पत्ते होते हैं ट्री के, उसको लीफ बोलते हैं। वैसे ही ट्विग है। ट्विग मींस होता है ट्री की छोटी टहनी। ट्री की जो स्मॉल ब्रांच होते हैं उसको ट्विग बोलते हैं। वैसे ही गाइस स्टंप होता है। स्टंप मतलब पेड़ का तना। पेड़ को काटने के बाद आप देखोगे उसका जो स्टंप होता है, जो कुछ पार्ट उसके ऊपर उठे रहते हैं, उसको स्टंप ऑफ ट्री बोलते हैं, जिसे पेड़ का तना बोलते हैं। वैसे ही ब्लॉजम। ब्लॉजम मतलब होता है पेड़ का फूल, या जो फूल फूलते हैं उसे ब्लॉजम बोलते हैं। तो और अनदर वर्ड है ट्रंक। ट्रंक मींस होता है जो पेड़ का टना होता है उसे ट्रंक बोलते हैं। वैसे ही बॉग होता है। बॉग मतलब जो ट्री की लॉन्ग वाली जो ब्रांच होती है, लंबी ब्रांच होती है, लंबी डाल होती है, उसको बॉग बोलते हैं। वैसे ही क्राउन। आप देखते हो पेड़ चारों तरफ से फैला हुआ होता है, तो जो पेड़ का मुकुट होता है ऊपर, वो जो एक उसका बना हुआ होता है उसको बोलते हैं क्राउन ऑफ ट्री। बार्क। बार्क मींस पेड़ की छाल। बार्क होता है जब आप पेड़ को देखोगे और पेड़ को काटते हो तो उस छाल निकालते हैं, तो पेड़ की छाल को बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं। तो गाइस ये थे 10 वर्ड्स जो आपके लिए आज हम लेके आए थे। आगे पार्ट टू में कुछ नया आएंगे, कुछ नया जानेंगे। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब आरडी इंग्लिश क्लासेस टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।